हे गाइस, मैं हूं संदीप और आप सभी का स्वागत है हमारे ही YouTube चैनल में। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि Instagram में ईमेल आईडी को कैसे ऐड करें। तो ईमेल आईडी को ऐड करने से क्या फायदे होते हैं। तो गाइस, मान लीजिए कि आपको कोई भी कांटेक्ट करेगा तो आपके पास ईमेल आईडी रहेगा तो उस पर वो कॉन्टेक्ट कर सकता है। तो आपको ईमेल आईडी को ऐड करने के लिए आपको अकाउंट को बिजनेस अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अगर अभी तक बिजनेस अकाउंट नहीं जानते कि कैसे बनाएं तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप सवाल कर दीजिए तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना देंगे। तो गाइस, आज के इस वीडियो में सारा कुछ जानने वाले हैं, तो जानने के लिए इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक देखें। बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक दिए जाते हैं, तो और किसी भी बारे में जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप सवाल कर सकते हैं, तो मैं उस विषय पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो गाइस, चलिए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन की ओर। आ गए हैं और इंस्टाग्राम में बिजनेस ईमेल आईडी को ऐड करने के लिए इंस्टाग्राम को ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। तो गाइस, इंस्टाग्राम में अगर बिजनेस ईमेल आईडी आप ऐड करेंगे तो उसके लिए आपको इंस्टाग्राम को ही बिजनेस अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अगर अभी तक नहीं बनाए हैं गाइस, आप लोग नहीं जानते हैं बनाने, तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप सवाल कर दीजिएगा तो उस टॉपिक पे भी वीडियो बना देंगे। तो गाइस, यहाँ पर आप सभी को नीचे में अपना प्रोफाइल फोटो दिखाई दे रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पर एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। तो गाइस, यहाँ पर आप सभी को कॉन्टैक्ट ओपिटीएन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सभी को बिजनेस ईमेल को यहाँ पर डाल देना है। तो मैं यहाँ पर डाल देते हैं। डालने के बाद यहाँ पर ऊपर में आपको सही का निशानी दिखाई दे रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद गाइस, और यहाँ पर फिर से इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये मेरा ईमेल ऐड हो गया, तो इस पर हमें क्लिक करेंगे। जैसे ही कोई भी मुझसे कॉन्टेक्ट करने के लिए इस पर क्लिक करेगा और यहाँ पर वो मुझे भेज सकता है। तो गाइस, इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आया है। तो वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।